अरे डॉक्टर मेरा साहब, थारे साथ तो बड़ी खेल मजाक खेले है छोकरी सब है। ये शायद तो तुम्हारे साथ दूसरी बार हुई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पहले भी इसी तरह गहने और पैसे लेकर वो गायब हो गई, ये भी। बताओ छोकरियां कैसी मिलती है, हैं? एक्सक्यूज मी सर, हेलो, गायत्री देवी बोल रही हूँ। हाँ गायत्री देवी, ये कैसी लड़कियां हैं तुम्हारे अनाथ आश्रम में? क्यों, क्या हुआ? सब कुछ लेने देने के बाद भी चोरी करके भाग जाती हैं। क्या कहा? बिल्कुल वही किया जो पहले ने किया था। अच्छा गायत्री देवी, यही सिखा कर भेजती हो तुम लड़कियों को? नहीं मेहरा साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? गायत्री देवी, मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूँ। जानती हूँ लेकिन। जस्ट जस्ट वन मिनट। हेलो जी, डॉक्टर मेहरा बोल रहा हूँ, क्या हुआ? ओके ठीक है मैं अभी आता हूँ। अच्छा अब इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी तहकीकात जारी रखिए, मुझे एक इमरजेंसी केस के लिए जाना होगा। अरे इमरजेंसी तो हमारे को भी है, थारे पीछे तो सीआरडी करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब बताइए, मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। हाँ जी, क्या हुआ आपकी बेटी को? मेरी एक ही बेटी है। तो? अरे उसके लिए जितने पैसे लगेंगे मैं पैसे दूंगा, आपको पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, कोई बात नहीं, लेकिन हुआ क्या है? मेरी बेटी को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में दिल में सुराख आया है डॉक्टर साहब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेंगे सब कुछ, आप चिंता मत कीजिए। धन्यवाद सर। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर मेहरा बोल रहा हूँ। ओ डॉक्टर मेहरा साहब, अच्छा बोलिए मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? देखिए मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो मेरा घर संभाल सके। अच्छा तो आपको शादी करनी है? जी हाँ। ओके हम लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, और देखो हमारी शादी हो गई और आज सुहागरात है, और अभी तक हमने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। जी मेरा नाम सुजाता है। सुजाता जी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? धोखा तो नहीं दोगे मुझे? नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पति तो पत्नी के लिए परमेश्वर होता है, और जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है वो दुनिया में कभी किसी की नहीं हो सकती। नहीं सुजाता, धोखा दे सकती हैं, इससे पहले भी दो बीवियां मुझे धोखा देकर चली गईं। पहले किरण ने, फिर लक्ष्मी ने, मैं तो टूट गया हूं सुजाता, मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। आप इतने अच्छे हैं तो आपकी दोनों पत्नियां आपको छोड़कर क्यों चली गईं? वो तो मुझे भी नहीं पता। नींद आती थी, चैन आता था, तुमने न जाने क्या जादू किया। Thank you.
सुजाता, सुजाता, सुजाता किधर हो? सुजाता यह सामान क्यों बिखरा हुआ है? सुजाता ज्वेलरी? माय गॉड, ज्वेलरी, पैसे सब लेके गायब हो गई? कैश सब कुछ लेकर चली गई? डॉक्टर मेरा साहब, 15 साल की नौकरी में मैंने पहली बार ऐसी देखी है, वो भी आपके साथ अजीब त्रिश्दी होती है। आप बीबियां पता नहीं कैसी लाते हो कि शादी की रात को आपके साथ रहती है, बाद में जेवर वेवर कैसे लेकर रफा दफा हो जाती है। मैं तो पहली बार ऐसी घटना देख रहा हूं। आप अनाथ आश्रम की लड़कियों से शादी क्यों करते हो? आपको पता है मेदी हाथों की सूख नहीं पाती है कि आपको चूना लगा के चल देती है? तो मेरा साहब, आप अपनी समाज में बराबर वाली से शादी करो। क्या बताऊं खान साहब, मैं तो ये सोचकर गरीब लड़की से शादी करता हूं कि यहां पर आएगी तो उसे सारे सुख मिलेंगे, खुद भी खुश रहेगी और मुझे भी खुश रखेगी। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और रही बात अमीर लड़कियों की, वो मुझे से डॉक्टर से क्यों शादी करेगी? उनको तो कोई अमीर ज्यादा चाहिए जो उसके साथ रहे, उन्हें गाड़ी में घुमाए। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक बात जरूर जान लिया, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ओए पांडू। हाँ जी सर। एक काम करे यार, तू पीछे जाके सारी चेकिंग कर ले जी। और सारे सामान के लिस्ट बना लियो। हाँ, समझ गया ना? हाँ। तो डॉक्टर साहब, मैं क्या पूछ रहा था, अरे ये तो नई दुल्हन की आवाज लगती है। हाँ तो डॉक्टर साहब, अभी क्या करे, आपकी बीवी का तो अफसोस है ही है। क्यों हुआ पांडू? हाँ जी सर। सारा चेक कर लिया? सब कर लिया। लिस्ट बना लिया? बना लिया सर। हाँ तो ठीक है, काम कर, तू चल, मैं आता हूँ पीछे से। जी सर। हाँ तो डॉक्टर मेरा साहब, एक बात बताओ आप, ये आपकी बीबिया या तो जिंदी है या फिर अल्लाह को प्यारी हो गई है? अगर जिंदी है तो ठीक है, अल्लाह को प्यारी हो गई होगी तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता जी। अब आप अपना ध्यान रख लियो, ठीक है जी? ओके, चलो नमस्कार जी। कसम से यार, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, है ना? मजा आ गया। हाँ? कब से कह रहे थे चलने के लिए? अरे बहुत अच्छी जगह है, ये देखो ना। फाइनली हम आ गए। जाएगा? क्या हुआ? चलो यार। I'm so tired यार। और ओ भाभी, उदास बैठा है। काफी बातें कर ली ना आप लोगों ने। भाभी हम भी पियेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए। शिवानी जी, जरा राजीव जी का ख्याल रखिएगा। राजीव,
कितना खुशकिस्मत है यार तू, शिवानी जैसी खूबसूरत बीवी और इतना सुंदर बंगला, क्या बात है यार। वाकई इतना खूबसूरत बंगला बनाने वाले ने बड़े अरमानों से बनाया है, और शिवानी भाभी लाखों में एक हैं, उनके आगे ये बंगला कुछ भी नहीं है। भाभी आखिर लाजवाब हैं। अच्छा तो आप लोग बंगले और मेरी तारीफ ही करते रहेंगे कि हमें पूजा की तैयारी भी करनी है? अरे राज, पूजा का सामान तो है ही नहीं। आप दोनों बातें कीजिए, हम लोग सामान लेकर आ जाते हैं। हाँ। अकेले अकेले पीते रहोगे या मुझे भी पिलाओगे? अब चलो चलते हैं। चलो हम लोग पूजा का सामान लेकर आते हैं। हम लोग लगे रहो। चलो चलो, ख्याल रखना। ख्याल रखना, आते हैं हम लोग। चल आजा। चल रहा हूँ ना यार, चल रहा क्या पता नहीं क्या देख। चलो वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे, मैं जाके तैयार होती हूँ। अब क्या? अरे क्या कर रहे हो राज? एक पति तन्हाइयों में पत्नी के साथ क्या कर सकता है? देखो राजू, जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें अपने आप को छूने भी नहीं दूंगी। शिवानी, अब मेरा सब्र टूट चुका है, इसके पहले मेरे सब्र का बांध टूट जाए तुम मेरी बाहों में आ जाओ, वरना मैं। राजू, आज भी तुम बिल्कुल वैसे ही हरकतें करते हो जैसे कॉलेज टाइम में क्या करते थे, बदमाश कहीं के। और तुम भी तो वैसे ही हो, जब भी तुम्हें कोई छू ले तुम उसे थप्पड़ मार देती हो, और अभी तो मैंने तुमसे थप्पड़ खाया, लेकिन फिर भी दिल ने चॉइस तुम ही किया है।
दिल के डॉक्टर साहब, दिल की बातें बाद में करना, पहले बंगले की सफाई करवाने की सोचो। दिल का डॉक्टर दिल की बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा? सर्दी और जुकाम की बातें करेगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, काम करने दो। छोड़ो ना मुझे, पूजा पाठ की तैयारी करने दो। वो तो हो जाएगी, तुम भी ना सुनो ना। राजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो शिवानी, ये पेड़ पौधे हवा ये सब चाहते हैं कि हम मिल जाएं। नहीं चाहती हो तो सिर्फ तुम, और जिस पर कुदरत इतना मेहरबान हो तो उसे कैसे कोई अलग कर सकता है? ये हमेशा ऊपर वाला तुम पे इतना मेहरबान क्यों होता है? हाँ, ये तो बात सही है। अगर ऊपर वाला इतना मेहरबान नहीं होता तो तुम मुझे मिलती कैसे? अच्छा, और तुमसे मिलने से पहले ये राजू सिर्फ एक आवारा था। और हा? क्या? हाँ, वो तो सही बात है। वाह, एकदम बहुत बढ़िया यार। और अरे अरे, क्या हुआ तेरे गाल पे? क्या हुआ? मेरी जगह अगर तू होता ना तो तेरा हाथ भी इसी तरह तेरे गाल से चिपका होता। भाई आखिर हुआ क्या? यार, कॉलेज में एक नई लड़की आई है जो मुंह से कम और हाथ से ज्यादा बात करती है। मैंने सिर्फ उसे हेलो कहा, उसने मेरे गाल पे थप्पड़ लगा दिया। फिर यार एक बात बताता हूँ, कॉलेज में घुसते घुसते उसने 3-4 लोगों के गाल पे थप्पड़ मार दिया। अरे वो भला है कौन, जरा मैं भी तो देखूं। तुझे लड़कियां पटाने का एक्सपीरियंस तो है ना, तो फिर हो जाए। चल हो जाए, मंजूर है राजीव? मंजूर है। मंजूर है। मंजूर है। मंजूर। चल अब मैं तुझे उस देवी के दर्शन करवाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तू उसका नाम और पता लेकर आया तो तू जीता हुआ कहलाएगा। चल हाँ, चल आजा। चलो चलो। राजीव, वो देख क्या कयामत जा रही है यार। राजीव। हेलो। व्हाट? इस कॉलेज की तरफ से हाय। अच्छा तो भाई। राजीव। क्यों? उसे देख के आगे से ऊ और पीछे से पू निकल गई क्या? अरे यार, ये तो सच में कयामत है यार। ऊपर वाले ने खाना पीना छोड़कर इसे फुर्सत से बनाया है। बेटा अभी भी मौका है, शर्त वापस ले ले। क्यों अपनी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुला हुआ है? राजू कभी भी आगे बढ़ के पीछे हटने की नहीं सोचता है, तो बस देख मेरा कमाल। मैम आप कॉलेज में नहीं हो? और तुम्हारी ये हालत किसने की? मैं भी आपकी तरह कॉलेज में नया हूँ। यहाँ के कुछ सीनियर्स ने मुझसे मेरी फीस छीन ली और मेरी किताबें, और मुझे मारा भी बहुत। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि अगर मैं आपका नाम और पता उनको दे दूंगा तो वो मेरी फीस और किताबें मुझे लौटा देंगे। अच्छा तो ये बात है, जरा मैं भी उन लड़कों की सूरत देखना चाहती हूँ जो मेरा नाम और पता जानना चाहते हैं। अरे मैडम, आप उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? वो तो लफंगे लोग हैं। आप मेरी समस्या बस हल कर दीजिए, आप मुझे अपना नाम और पता दे दीजिए। अच्छा, मेरा नाम शिवानी है और मैं
गर्ल्स हॉस्टल के थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ। अब हो गया तुम्हारा काम। okay. ये लो। बाय। बाय। अपना तो काम हो गया। कमाल कर दिया है यार उसने तो। अरे राजू मान गए यार, आज के बाद जहां भी लड़की पटाने का मामला आएगा तेरा नाम जरूर आएगा। राजीव यार, तेरे लड़की पटाने का एक्सपीरियंस देखकर मुझे तो लगता है कि तेरा नाम गिनीज बुक में आ जाएगा। चलो चलो, शर्त के पैसे निकालो, बातों में मत टालो। भाई दोस्तों से भी कोई पैसे लेता है? शर्त के मामले में मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। हम लोग तो तेरा सिर्फ दिल देख रहे थे। हाँ। ये तेरे, ये हमारे। कसम से यार, इसने तो लूट लिया हम लोगों को। हमको भी सिखा दे यार कुछ, कैसे लड़कियां बताते हैं। जो मैंने तुम्हें कोर्स करने को कहा था वो कर लो, तुम्हारे करियर के लिए फायदा होगा। हाँ कमाल कर रहा है। सच, वही कोर्स अच्छा है तुम्हारे लिए। हाय। हाय। कैसे हो? तुम्हारी किताबें और फीस मिल गई? हाँ मिल गई, लेकिन मैं आपको शुक्रिया नहीं कह पाया था। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं शिवानी जी, अगर आप नहीं होती तो मेरी किताबें और फीस मुझे कभी वापस नहीं मिलती। मैं आपका एहसान कम तो नहीं कर सकता, मगर कम करने की जरा कोशिश कर सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ एक कप चाय पी लेंगी तो। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी एक ही कॉलेज में है, मिलते ही रहेंगे। मेरे साथ अगर आप चाय नहीं पियेंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। ओ। एक मिनट शिवानी जी, फीस काउंटर खुल गया होगा, मैं जरा फीस भर के आता हूँ। ओके ओके। हाय। 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 बैठो ना। हाय। ये किसके चक्कर में फंस गई हो शिवानी? वो एक नंबर का लोफर लड़का है, लोफर। कौन? राज। और कौन? वो गरीब वरीब कुछ नहीं है शिवानी, वो बहुत ही अमीर लड़का है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होता है ना, तो कैंटीन में किसी से भी पूछ सकती हो। तुम सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पूछो इससे। हाँ शिवानी सच बोल रहा है ये। राज, इसको तो तू नहीं पटा पाएगा दोस्त। अरे शिवानी सुनो। हाँ यार बिल्कुल सही। हाँ हाँ तुमने तो सही कहा था। सही कह रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और बताओ। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा तुम लोग भी ना बस ऐसे ही बोलते हो यार। मैं बोलता हूँ तो मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। अरे ये भी तो नहीं गया। फीस भर दी? हाँ भर दी। एक लड़की पर शर्त लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तक कॉलेज में किसी ने मुझे आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की, और तुमने तो मुझ पे हाथ उठा दिया। अगर ये हाथ चूड़ी वाले ना होते तो इसे तोड़कर मैं फेंक देता। और बात रही शर्त लगाने की, तो इतिहास गवाह है कि लड़कियों पे सदियों से शर्त लगाई जा रही है, समझ गए तुम? हा? और वैसे भी शर्त मैंने मजबूरी में लगाई थी। मजबूरी? तुम्हारी कौन सी मजबूरी है? मेरे मामा और मेरे चाचा में दुश्मनी है, और मेरे मामा जी बहुत बीमार हैं, और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। तुम्हें कौन से पैसे की कमी है? हाँ तुम तो खुद पैसे वाले हो। मैंने कहा ना कि मेरे मामा और चाचा में दुश्मनी है। मेरे मामा ने कहा
कि बेटा मुझे मर जाने दो, मगर मेरे चाचा के हराम की कमाई के एक भी पैसे मत लेना। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मगर किसी की जिंदगी बच सकती है तो मैं नहीं मानता कि मैं गुनाहगार हूँ। अच्छा, तो ये बात, कॉलेज खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मामा को देखने चलूंगी। बाय बाय। अबे साले, क्या एक्टिंग किया, क्या एक्टिंग किया यार। ये सुन के तो पानी पानी हो गया यार। क्या एक्टिंग किया यार, सच में क्या डायलॉग मारा, वाह। लेकिन साले, ये सब करके हमने नई मुसीबत ले ली है, हम मामा लाएंगे कहाँ से? यार वही तो सोच रहा हूँ। तू बनेगा मामा? नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगा, मुझे क्या थप्पड़ खाना है। अबे साले, जब तू निशा को पटा रहा था तो मैंने तेरी मदद की थी, और आज जब मेरी बारी आई है तो तू मुझे टांग दे रहा है। हाँ, एक पामा है मेरे पास। तो बता कहाँ पे है वो? इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, हम उसे ले आते हैं। सूख सी गई है एकदम, क्या है ये? ये मेरी जुड़वा बहन है। हाँ तो? बचपन से हम अनाथ आश्रम में पढ़े, उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई, आज तक पता नहीं चला, यकीन नहीं होता है मुझे। क्यों ना हो, तुम जुड़वा हो तो हम तिड़वा हैं। मतलब? मतलब तीन भाई। तू एक काम कर, एक मेरा भाई यही अभी अभी ट्रांसफर होके आया है, इंस्पेक्टर है, अगर तेरी बहन जिंदा होगी ना तो वो तेरी मदद कर देगा, और अगर मर गई होगी ना तो मेरे बड़े भाई से मिल लेना, बाबा मलंग हैं, वो अच्छे अच्छे कब्जे कर लेते हैं आत्मा को, उनसे तेरा काम हो जाएगा। पर बदले में तेरे लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा या तू मेरे लिए कुछ करेगी, बोल। मतलब? मतलब नहीं समझी? हाँ मैं तुझे समझाता हूँ। हमवा की डारी पे आ बोले कोई अरिया, हमवा की डारी पे आ। अच्छे आम है ना? हमवा की डारी पे बोले कोई अलिया, नथनिया ने हायरा। वो देखो रहे मामा, चल मिलते हैं मामा। हाँ मेरा भांजा। अरे अरे मुआ देखना जरा। हाँ जी। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, चल। चलो मामा। अरे मेरा भांजा। मामा हाँ? ये राजीव है जिसे काम के लिए मैंने आपसे बोला था, तो इसका प्लीज काम करवा दीजिए मामा। हाँ हाँ, ये तो काम कराने लायक लड़का दिखता है रे। मामा मामा। और ये तो दूर ही है, चपकता भी नहीं है। हाँ? मामा ये वैसे लड़कों में नहीं। अच्छा, है तो इसका काम करवा देते ना मामा, तो बहुत अच्छा होता। लड़की वाला है? हाँ थोड़ा लड़की वाला मैटर है। हाँ तो मैं तो करने को तैयार हूँ ना, तो चले मामा। हाँ हाँ चलो चलो, ठीक है चलो चलो। हाँ तू मेरे साथ आना। हाँ हाँ चलो।
ठीक से पैर दबाना। शिवानी, मुझे तो ये सब नाटक लगता है। विकी, तुम भी ना, अंदर जाके देखने में क्या बुराई है? ओके, विकी तू अंदर नहीं आएगा। क्यों? विकी क्यों नहीं अंदर आएगा? आखिर विकी भी तुम्हारे मामा को देखने आया है। हाँ ठीक है, चलो आ। चल। अरे अरे मामा, क्या कर रहे हो? शिवानी आने वाली है। आ गई क्या? कैसे मामा? आ शिवानी आ। आओ आओ बेटी, आओ बैठो। राजीव, ये कौन है बेटा? मामा जी, ये शिवानी है, मेरे कॉलेज में पढ़ती है। नहीं नहीं मामा जी, आप लेते रहिए। बेटा, तूने मेरी वो वाली दवाई लाई है जो डॉक्टर ने लिख के दिया था? हाँ मामा जी, लेकर आया हूँ मैं। अच्छा, ये तो काम हो गया। बेटा, तूने अपने चाचा से दवाई के पैसे तो नहीं लिए ना? नहीं नहीं, मैंने चाचा से पैसे नहीं लिए, शिवानी से पूछ लीजिए। नहीं नहीं मामा जी, राजीव बिल्कुल सच कह रहा है। बेटा एक काम कर, ये मुए सबको लेकर बाहर जा, मुझे थोड़ा शिवानी से बात करनी है। ठीक है मामा जी। तू अपना ध्यान रखना। अरे, बेटा चलना यहाँ से। अरे चल, चल रहा हूँ ना यार, चल। अरे ये सब नाटकबाज है यार, कुछ नहीं होने वाला इससे। शिवानी बेटी, मेरे राजीव को तुम संभाल लो, तुम ही उसे संभाल सकती हो। न जाने अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा राजीव बेटा बर्बाद हो जाएगा। बेटी तुम ही उसे संभाल सकती हो, उसे अपने चाचा के ही काम से फुर्सत नहीं है। बेटी मेरे राजीव का तुम पूरा ख्याल रखना। बेटी आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, और हाँ आपसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। तो सुनो, तुम आना मत। हाँ शिवानी। अब क्या? शिवानी अभी भी वक्त है, संभल जाओ, हमारी बातों को सुनो, हम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। ये सब के सब नाटक कर रहे हैं, सिर्फ नाटक। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना है? विकी, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग के बारे में ऐसे बातें करते हुए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस हद तक गिर सकते हो, इस हद तक गिर सकते हो, इस हद तक गिर सकते हो। छी शिवानी, 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 बात तो सुनो। Thank you.
हासिल है प्यार तेरा मेरी सांसों के लिए। राजीव तूने फंसाई लिया बास्टर्ड, कितना रोकने की कोशिश की पर फंस गई साली। मैं भी तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा, मानूंगा नहीं। सुनो बेटी, बेटी मेरे राजीव को कहीं देखा तो नहीं तुमने? आप कौन? जी मैं उसका मामा हूं। क्या सोच रही हो बेटी? मामा जी, लेकिन राजीव के मामा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप मेरे बारे में उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बताया तुम्हें? नहीं नहीं मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है। आज राजीव कॉलेज ही नहीं आया। शिवानी, मैंने तुमसे कहा था ना हॉस्पिटल में ये सब नाटक है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात का भरोसा होता ही नहीं है ना। सॉरी विक्की। इट्स ओके शिवानी। राजीव, यार आज तू फिर से फंस गया। तेरा सगा मामा आया था कॉलेज में, तेरी सारी पोल खुल चुकी है। अबे यार अब क्या होगा? विक्की और शिवानी आज हॉस्पिटल जा रहे हैं। यार तू अपने मामा को बोल दे एक बार आने को। नहीं यार, अब मैं मामा के पास नहीं जाऊंगा।
यार तू अपने दोस्त के लिए एक काम नहीं करेगा? नहीं राजीव, तेरी मोहब्बत के लिए मैं आज मेरे मामा को मस्का जरूर लगाऊंगा। कल तू चलेगी ना मेरे साथ मॉल में? हाँ, अच्छा। हाँ यार, मुझे कुछ सामान खरीदना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मॉम को कहा था, पर वो बीमार है। अच्छा, ये बात है। हाँ हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। बिल्कुल, प्लीज यार चलना। हाँ, नजर बाज मामा। हाँ हाँ, तू चखना अभी तक लेके नहीं आया? शिवानी आ रही है आपकी जान खाने। अरे माँ, अरे पानी भी नहीं लाया, क्या करूं मैं? राजीव के मामा जी हैं। चल, वो राजीव के मामा जी बीमार है ना? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ मामा जी, आप कैसे हैं? बस बस दिन काट रहा हूँ बेटा। मैं इसे जानती हूँ। तू सच कह रही है? हाँ। अच्छा, तुझे बेवकूफ बना रहे हैं? अब मैं उसे बेवकूफ बनाती हूँ, चलो। मामा जी, मामा जी। हाँ बोलो। मामा जी, लगता है आपके दिन पूरे हो गए। तुम्हें कैसे पता चला? और मेरे ख्याल से अब आपका आखिरी वक्त आ चुका है। ये भी तुम्हें कैसे पता चला? बताती हूँ मामा जी। क्यों? बताओ। इडियट कहीं का। चलो मेरी, चलो मेरी दारू भी खत्म हो गई, ये भी चल गई। मैंने कहा था ना तुमसे, सॉरी यार। अरे मैं इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, तू टेंशन मत ले। चल, उसने मेरे साथ चीट किया है। I know, but देखो अब रोने से कुछ होने वाला है क्या? पर मैंने उस पे ट्रस्ट किया था यार। देखो तुम टेंशन मत लो, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना। थैंक यू यार। मैं जानती थी। हाँ, पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देखना। क्या मिलता है तुम्हें? हाँ क्या मिलता है? बार बार मेरा दिल दुखाने में तुम्हें क्या मजा आता है? तुम तो मेरी नजर में पहले से ही भगवान बन चुके थे। और लेकिन मुझे क्या पता, जिस इंसान को मैंने भगवान माना वो इंसान इंसान नहीं, एक शैतान है शैतान। और मैं अपना सब कुछ एक शैतान को दे चुकी हूँ। नहीं राजीव, तुमने ये ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। आइंदा आज के बाद तुम ना मुझे मिलना और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है, समझ गए तू? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बिल्कुल नहीं मिलना मुझे। शिवानी, एक बात सुनती जा मेरी, मैंने जो भी किया तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया। मैं तुम्हारे प्यार में इस तरह अंधा हो चुका था कि समझ में नहीं आया कि जिस ढंग से मैं तुम्हें पाने की कोशिश करता हूँ वो ढंग ही गलत है। मगर मैं तुम्हें किसी भी तरह खोना नहीं चाहता था। लेकिन अगर आज अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि जो गलती मैंने की है उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल बात मत करना, उसने मेरा दिल तोड़ा है। अब रो मत प्लीज। मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया।
मेरा पैसा लिया है। विकी तूने कितने पैसे लिए इससे? 20,000 रुपए। कला के पैसा लेके जाना अपना। तू रहता कहाँ पे है? मैं जू पे रहता है। हाँ तो कल कितने बजे मिलेगा? कल 4 बजे घर पे आ जाना। हाँ चल ठीक है। कल अगर तू टाइम पे नहीं मिलेगा तो तेरे को भी चलना। चल चल फट चल। राजीव आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दोस्त। आज तुम्हारे सामने मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। Love you, यार। दोस्त राजीव, आज ये तुम्हारा दोस्त तुमसे वादा करता है कि शिवानी को तुमसे मैं मिला के रहूंगा। ये पक्का वादा है मेरा। तू क्या समझती है, तुझे इस डिस्को में कमर हिलाने के लिए लाया हूं? नहीं, तेरी जवानी का रस चखने के लिए लाया हूं। नहीं विकी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। अरे तुझे कैसे पता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? अरे मैं तो सब कुछ कर विकी, मुझे छोड़ दो। विकी मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? तुझे छोड़ दूं? मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का थप्पड़। तब तूने मुझे छोड़ा था पूरे कॉलेज के सामने, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी। विकी मुझे माफ कर दो। विकी मुझे छोड़ दो। विकी मुझे माफ कर दो। बचा। विकी तू छोड़ दे। विकी। राजीव। मैं इतना बुरा नहीं हूं शिवानी जितना तुम समझती हो। राजी अपने शिवानी को छोड़कर जाओगे? अगर आज तुमने शिवानी का हाथ नहीं थामा ना तो ये शिवानी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। अच्छा जी, तुम्हें पूरी जिंदगी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस आज दिन भर की तो बात है, रात में तो हमारी सुहाग रात है। अरे ये सुहाग रात क्यों होती है, सुहाग दिन क्यों नहीं होता? वो तो ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा कि उसने सुहाग दिन क्यों नहीं बनाई, रात क्यों बनाई। नहीं तो हमारे महाराज दिन में भी शुरू हो जाते। मैं देखती हूँ। आप आ गए। और ये स्माइल किस खुशी में? ये बस आपके लिए। आइए ना। राजीव कहाँ है? ये देखिए यही है। पूजा का सामान लेके आए तुम लोग?
आओ ना बैठो। क्यों राजीव? अरे अच्छा हुआ आप लोग जल्दी आ गए। हाँ? दो मिनट लेट हो जाते ना तुम्हारे भाई कुछ गड़बड़ ही कर देते। मतलब कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। मैं अभी भी कर सकता हूँ। अच्छा जी। अरे तो इसको सबर कहाँ है? अभी अंदर जाने की जल्दी किसको है? अबे साले नाटक मत कर, मन में तो लड्डू फूट रहा है। जा जा अंदर जा। हाँ हाँ चलते हैं। ओम शिवाय। ओम इंद्र। क्या बात है पंडित जी? यजमान ये सब अशुभ घड़ी के संकेत हैं। पंडित जी शुभ अशुभ मैं नहीं मानता, आप बस पूजा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए। पंडित जी बकवास बंद करिए और अगर आपकी पूजा खत्म हो गई है तो यहाँ से प्रस्थान कीजिए। मैं ये सब बकवास नहीं मानता। जा बेटा अंदर जा, शिवानी बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही है। अरे तो इसको सबर कहाँ है? अबे अंदर जाने की जल्दी किसको है? अबे साले नाटक मत कर, मन में तो लड्डू फूट रहा है। जा जा अंदर जा, क्यों तरसा रहा है इतना उसे? अबे जाना यार, जाना यार। सुबह से तो इतने उतावले थे, फिर आने में इतनी देर क्यों की? ये चाकू से क्या करने का इरादा है? तुम्हारी जान लेने का इरादा है। जान तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ, अब क्या इरादा है? अब तो तुम्हारा दिल लेने का इरादा है। क्यों ना हम इस डॉक्टर को भी खत्म कर दें? नहीं बिल्कुल नहीं, इस डॉक्टर के हाथों हम डॉक्टर मेहरा का खून कर सकते हैं। अगर हमने इसे मार दिया तो फिर हम डॉक्टर मेहरा को नहीं मार सकते। लेकिन हम इन दोनों को सुहागरात नहीं मनाने देंगे, क्योंकि अगर इन दोनों ने सुहागरात मना ली तो ये डॉक्टर इसे भी मार देगा। हम इसे सुहागरात नहीं मनाने देंगे। तुझे नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर तुम्हें ज्यादा मजा आता है ना, पर इस बार तू नहीं बच पाएगा। सोने क्या हुआ तुम्हें? Oh
का दिल निकालने में ज्यादा मजा आता है तुझे। खून, चाकू, राजीव, रुको, राजीव, क्या हो गया तुम्हें राजीव? नहीं शिवानी, मुझे बात मारो। राजीव, क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? राजीव, मैं तुम्हारी शिवानी हूँ। राजीव, मेरे करीब बताओ, मुझे माफ कर दो। क्यों तुम मुझसे दूर भाग रहे हो राजीव? क्यों? राजीव, ये तुम्हें क्या हो गया है? शिवानी, तुमने मेरा ये हाल क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम्हें क्या हो गया था शिवानी? राजीव, मैंने नहीं। राजीव, ये क्या हो गया तुम्हें? इतने सारे चोट कैसे आए राजीव? ये मैं नहीं कर सकती राजीव, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मैडम, एड्रेस तो बताइए। शांति निकेतन जुहू, जल्दी आ जाइए डॉक्टर प्लीज। ओके ठीक है मैडम, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, कल आपने जिस पेशेंट को ऑपरेशन किया था उसकी हालत बहुत सीरियस। हेलो जी मिस्टर कपूर जी, मैं डॉक्टर मेहता बोल रहा हूँ। जी जी बढ़िया बढ़िया। अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मेरे वो पुराने बंगले पर ना एक मरीज की हालत बहुत खराब है जी, आप जा सकते हैं वहाँ पर? प्लीज प्लीज, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते, मैं डॉक्टर रवि कपूर हूँ, डॉक्टर कपूर का बड़ा भाई। हाँ, आपको किसने बुलाया बोलिए। आपके हस्बैंड नहीं है, कहाँ गए हैं? जी वो नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। मैडम कुछ दिन पहले मेरा छोटा भाई यहाँ आया था, लेकिन तब से उसका कोई अता पता नहीं है। हाँ, अरे हाँ, वो आए तो थे पर पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गए। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे वरना अब अच्छा नहीं होगा। अपने अंजाम की परवाह कर, मेरी परवाह मैं बाद में कर लूंगा, समझी? छोड़ो मुझे। साले कुत्ते, छोड़ मुझे। कमीने, शक्ल जैसे भगवान लग रहा है और हरकतें कमीनों जैसी, छोड़ मुझे। जैसी मेनका को देख के तो कोई भी भगवान शैतान बन सकता है, मैं तो एक इंसान हूँ। कमीने, मेरी बीवी की इज्जत पे हाथ डालता है, एक बेबस औरत की इज्जत पे हाथ डालता है। लगता है तेरा कागज ऊपर भर चुका है, आज तेरी मौत निश्चित है। तो अभी पता चल जाएगा किसका कागज भर गया है और किसका बाकी है। हाँ।
तुम मेरे पुराने बंगले पे जाओ। जी हाँ। वहाँ पे जो भी मिलेगा उसे पूछना कि डॉक्टर कपूर आए थे क्या। यस सर, मैं अभी जाता हूँ। हेलो। हेलो, डॉक्टर कपूर हैं? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं मिस्टर मेहरा बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर मेहरा। लेकिन सर डॉक्टर कपूर तो उसी दिन से लापता है जिस दिन आपने उन्हें किसी पेशेंट को देखने के लिए अपने पुराने बंगले पे बुलाया था। उसी दिन के बाद से वो वापस नहीं आए। उनके घर वाले सोच रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। क्या? हाँ डॉक्टर साहब। मेरे साथ? डॉक्टर कपूर का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन मैडम कह रही थी कि डॉक्टर साहब आए थे, पता नहीं फिर कहाँ चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल कुछ भी हो सकता है सर। आपने डॉक्टर मेहरा का पुराना बंगला तो देखा ही होगा, कितना पीछे है। और आजकल वैसे भी किडनैपिंग के लिए कुछ भी हो सकता है। आजकल किडनैपिंग तो जैसे रिवाज बन गया हो। एक फोन घुमाओ 10 लाख रुपए अंदर, 10 लाख रुपए ले लेते हैं सर। कुछ भी हो सकता है सर। ठीक है, ये तो डॉक्टर कपूर से मिलने के बाद ही पता चलेगा। और यार मैं एक बात तो भूल ही गया, तुम्हें डॉक्टर कपूर के बड़े भाई वीर कपूर बुला रहे हैं। ओके सर। जाओ। कहिए इंस्पेक्टर, क्या काम है? ओ जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि आपके घर से 2 डॉक्टर गायब हो गए। जिसने भी आपको इंफॉर्मेशन दी है गलत दी है। देखिए मिस्टर रजीब, हमारे पास ये वारंट लेकर आए हैं जी, देख सकते हो आप। हाँ। ठीक है, आइए। चलो जी। और राजीव साहब, यार कितनी लेट करते हो चाबी लाने में। सॉरी सर। जाइए। कुछ मिला इंस्पेक्टर साहब? अजी कुछ नहीं मिला जी। ओ आपको कष्ट दिया इसके लिए माफ कर देना जी। अरे चलो ए, चलिए इधर। किधर से आ जाता है जी। आइंदा ध्यान रखना किसी के घर चापा डालने से पहले। वो हाँ? कौन थी का क्या मतलब है? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, अभी अभी तुम्हारे पास थी। शिवानी मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो। वाह, अब तो तुमने बेशर्मी की हद ही पार कर दी। अब तुम्हारे कैसे समझ में आएगा? हाँ मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, तुम कह क्या रही हो? शिवानी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब तो तुम मुझे पागल ही बना दोगे। राजीव मेरी बात याद रखो, औरत की नजर में मर्द तब तक भगवान होता है जब तक वो एक औरत का होकर रहता है। लेकिन तुम तो अब बेशर्मी पे उतर आए हो। हद पार कर दी राजीव तुमने, हद। तुम भगवान नहीं, शैतान हो, शैतान। शिवानी ये क्या पागलपन है, चुपचाप सो जा यार। शिवानी ये रोना धोना बंद करो, चुपचाप सो जाओ।
शिवानी यहाँ आओ। आती हूँ। चाय पियो। इधर आ। देखो शिवानी, ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी को बेजान बना रही हैं। सच्चाई से लड़ना सीखो। सच्चाई जानना चाहती हूँ ना, इसलिए जी रही हूँ। लेकिन अब तो मेरा सब्र टूटता जा रहा है। शिवानी, औरत का सब्र तभी टूटता है जब उसका मर्द इस दुनिया में नहीं रहता है। नहीं राजीव, फिर कभी ऐसी बात मत करना। और हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ जाना। अच्छा, आज क्या है? आज करवा चौथ है। और हाँ, अपने पति की लंबी उम्र के लिए औरत प्रार्थना करती है। ठीक है, आ जाऊंगा। इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ, मैं कब से तुम्हारे इंतजार कर रही थी। शिवानी, आज तो तुम इस लाल रंग में बहुत सुंदर लग रही हो। जो भी हो, आप फ्रेश हो जाओ, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। आप फ्रेश हो जाइए। हाँ, ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ मैं कल ऑफिस आता हूँ, आपसे आकर मिल भी लूँगा। जी, ओके ओके, फाइन, ओके ओके। श्योर। शिवानी, अब तक आई क्यों नहीं पूछा करके? देखता हूं। शिवानी, 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 उठो शिवानी। तुम ठीक हो? मेरा सब्र टूटता जा रहा है। तुमने हद पार कर दी। और कितना इम्तिहान लोगे तुम? हाँ, और कितना लोगे? मुझे तुम्हारे साथ इस घर में एक मिनट भी नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। नहीं शिवानी, मुझे लगता है तुम्हारे सर पर चोट आ गई है। तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पे नहीं है। मैं अभी जाता हूँ, डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। मुझे लगता है तुम अपनी होशोहवास खो बैठी हो। हाँ, खो बैठी हूँ, अब तक खो बैठी थी, लेकिन अब मैं पूरे होशो हवास में आ गई हूँ। मैंने देखा मेरे पीठ पीछे तुम किस तरह से दूसरे औरतों के साथ रहते हो। नहीं राजीव, तुम बहुत बदल चुके हो। अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। अरे, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम इस हद तक गिर सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक शराबी जैसे रोज रोज बोतल बदल के घर पे लाता है ना, उसी तरह। शिवानी, आज तुम्हारा सब्र नहीं, मेरा सब्र टूट गया है। तलाक, तलाक चाहती हूँ मैं। शिवानी, तुम क्या बोल रही है? पता नहीं, वही जो तुमने अभी सुना। पता है तलाक के बाद औरत की जिंदगी कैसी हो जाती है? पता है मुझे। Thank you.
कमीने, तू फिर आ गया? चला जा यहाँ से, नहीं तो जला के राख कर दूंगी। यही तो मैं सोच रहा था कि शादी के बाद भी तेरे अंदर कितनी आग भरी पड़ी है। लगता है तेरा पति तेरी आग बुझा नहीं पाता। आज मैं तेरी आग बुझाऊंगा, समझी? तू क्या मेरी आग बुझाएगा? औरत को आग कहा गया है, आग। फिर भी मैं अपने आग को समेटे बैठी हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दे रखी है। अरे मर्द को तो ठंडा कहा गया है, ठंडा, फिर भी वो आग की तरफ फुदकता रहता है और कहीं भी पे मुंह मारते रहता है, साला कुत्ते की तरह। छोड़ दे मुझे, छोड़। जब तू मर्द की कमजोरी को इतनी अच्छी तरह समझती है तो क्यों मुझे नोचने खसोटने पे मजबूर कर रही है? हाँ, अरे अपनी मर्जी से मेरी बाहों में आ जाना, तेरी आग भी बुझाऊंगा और तेरा दिल भी निकाल लूंगा, समझी? अगर शिकार इतनी आसानी से हाथ आ जाए तो शिकार करने का क्या मजा? यही तो मैं चाहता हूँ कि तू भागती रहे। चल, आज मैं तुझे भागते देखना चाहता हूँ। जितना भाग सकती है भाग, भाग ना। आखिर तुम चाहते क्या हो? छोड़ दो मुझे। तेरा दिल और तेरा जिस्म दोनों। तेरा ये सपना पूरा नहीं हो सकता, ना ही तुझे मेरा दिल मिलेगा और ना ही मेरा जिस्म। यहाँ तेरी आवाज सुनने कोई नहीं आएगा। वैसे एक बात कहूँ, तेरी आवाज में भी बहुत कशिश है। छोड़ दे मुझे, भगवान के लिए छोड़ दे मुझे। अरे तू तो बहुत जल्दी ठंडी पड़ गई रे। अभी तो मैंने तेरे साथ कुछ किया भी नहीं है, अभी तो तेरी पूरी गर्मी निकालनी बाकी है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दो। छोड़ दूं, छोड़ दूं। साली, हाथ आए शिकार को इतनी आसानी से छोड़ दूं? ये तो शिकारी का अपमान है ना। अरे ये तो बेहोश हो गई। खैर अच्छा है, सोने पे और सुहागा। चल अब तो और मजा आएगा। साले उस दिन भी तू बच गया था, आज तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता है मेरे हाथों से। कभी ने तू नहीं सुधरने वाला। साले बहुत गर्मी है तेरी बीवी के अंदर। अगर तू 10 मिनट देर से आया होता ना
तो उसकी पूरी गर्मी निकाल देता मैं। क्यों बस साले, तू उसकी गर्मी उतारेगा? हाँ साले, तेरी गर्मी तो मैं उतारता हूँ। तो देख आज तेरा क्या हाल करता हूँ। शिवानी, शिवानी, शिवानी उठो, शिवानी, शिवानी, राजीव, शिवानी, शिवानी तुम कुछ हुआ था नहीं? तुम ठीक हो ना शिवानी? ये क्या किया तूने? मेरे पति को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू घबरा मत, तुझे भी उसके पास भेज दूंगा। राजी छोड़ मुझे, छोड़, राजी छोड़ मुझे, छोड़ दे पत्नी, राजी बचा, चाल, राजी बचा, कभी ने। अगर मेरी शिवानी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे तेरे ही हॉस्पिटल में आग लगा के मार दूंगा। राजी, राजी ले जा तेरी बीवी को। राजी, बचा सके तो बचा ले। चिल्लाना बंद कर, चिल्लाना बंद कर। राजीव, होश में आ जाओ राजीव, भगवान के लिए होश में आ जाओ राजीव, होश में आ जाओ राजीव, राजीव, राजीव। शिवानी तुम ठीक हो ना? हाँ राजीव मैं ठीक हूँ। कौन हो तुम लोग, क्या चाहती हो? बहुत दिनों से इस दिल में आग लगी है और अब हम अपने दिल की आग बुझाना चाहते हैं। शौक है ना तुझे औरतों के गर्मी बुझाने का? आ मेरी आग बुझा। मुझे जाने दो। कैसे जाने देंगे तुझे, फिर इस दिल की आग कौन बुझाएगा? हाँ हम तो तेरे पास आना चाहते हैं और तू हमसे दूर भाग रहा है। आ पास आना, आना। देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे एक मरीज के दिल का इलाज करना है, मुझे जाने दो। तू अपने आप को डॉक्टर बोलता है? क्यों डॉक्टर के पेशे को बदनाम करता है? पैसों के लिए जो किसी की जिंदगी लेकर किसी और को जिंदगी देता है। आज आज मैं तेरा इंसाफ करूंगी, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तेरी आवाज बंद कर दूंगी। अब क्यों खामोश है तू, बोल। आज हम तुम्हें बताएंगे जिसमें से दिल अलग होने का एहसास क्या होता है। क्यों, मौत का नाम सुन के तेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई? भाग सकता है तो भाग ले, क्योंकि अब मुझे अब मेरा शिकार भागकर ही करने में मजा आएगा। Yeah.
भाग चुका या बाकी है? अरे ओ कमीने, वो भी इसी तरह से गिड़गिड़ाई होगी, रोती होगी। हम भी इसी तरह से गिड़गिड़ाए थे, रोए थे, मगर वो कमीना नेहरा, उसने एक तो हमारी कभी ना सुनी, क्योंकि उसे हमें हमारे दिल के बदले अमीरों की सहानुभूति और करोड़ों का फायदा होता था। लेकिन लेकिन जो गलती मेरा ने की उसकी सजा तुम लोग मुझे क्यों दे रही हो? तू भी तो उसी जाति का कुत्ता है और तुम सारे कुत्ते एक ही नस्ल के होते हो। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगर आज मैंने तुझे माफ कर दिया ना, तो पूरी औरत जात हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज आज मैं तेरे जिस्म से दिल निकाल कर तुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। अब तुझे एहसास होगा जिस्म से दिल निकालने का दर्द क्या होता है। शिवानी, शिवानी, आई लव यू शिवानी। राजीव, क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? आत्मा। आत्मा? क्या लेने आई हो यहाँ? हम कुछ लेने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ ये बताने आए हैं कि आज तक तुम्हारी जिंदगी में जितने भी हादसे हुए हैं वो हमारी वजह से हुए हैं। उसका जिम्मेदार डॉक्टर मेहरा है। डॉक्टर मेहरा? हाँ, मगर उसकी हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में उसका क्या लेना देना? ये बहुत लंबी कहानी है। जिस बंगले में आज तुम रहते हो ना, उसी बंगले में डॉक्टर मेहरा रहा करते थे और उसने उसने हमसे शादियां की, और शादी की रात हमारी हमारे जिस्म से हमारे दिल को निकाल दिया और हमारे जिस्म को अपने बंगले के पीछे दफना दिया, क्योंकि क्योंकि उसे मेरा जिस्म नहीं चाहिए था, मेरा दिल चाहिए था। हमारी शादी हुई, यहाँ तक कि हम सुहागरात के सेज पर भी गए, लेकिन सुहागरात कैसी होती है ये हमें नहीं पता। जो लक्ष्मी के साथ हुआ वही मेरे साथ भी हुआ। शिवानी, शादी तो सुना, शादी भी हुई हमारी। शादी के पहले बहुत अरमान लेकर आए थे हम, सुहागरात होगी हमारी, लेकिन क्या कुछ नहीं। हमारे हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी थी और हमें 7 फुट जमीन में उतार दिया मेहरा ने। तभी से हमारी आत्माएं भटक रही हैं। उस दिन से हम लोगों को डॉक्टर के नाम से नफरत हो गई है और हमने ये फैसला किया है, जो कोई भी डॉक्टर इस बंगले में आएगा उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम तुम दोनों को मिलने नहीं देना चाहते थे। हमें डर था कि कहीं डॉक्टर मेहरा की तरह तुम भी सुहागरात के दिन अपनी बीवी का दिल न निकाल लो। इसलिए जब जब तुम दोनों मिलने की कोशिश करते थे हम तुम्हारे भी चर्चने पैदा करते थे। शिवानी, लेकिन जो तुम लोगों के साथ हुआ उसकी सजा तुम लोगों ने हम लोगों को क्यों दी? क्यों दिया हमें? क्यों हमारी जिंदगी में हमेशा जहर घोलते रहे? क्यों क्यों तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया? क्यों? हर पल हम अपने पति के बाहों में जाने के लिए तरसते रहे, लेकिन नहीं जा सके। हर दिन हर रात हम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को देख के गुजारा है। सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने हमें बहुत तकलीफ दी है। नहीं, अरे आप लोगों की वजह से तो हमारी सुहागरात नहीं हुई, जो एक पत्नी के लिए और पति के लिए सबसे अहम रात होती है।
और उसी रात आप लोगों ने हमें खून के आंसू रुलाए। लेकिन आप लोगों ने हमें खून के आंसू रुलाए। भगवान के लिए आप लोग हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाइए, चले जाइए। आप लोगों की वजह से मैंने अपने पति देवता जैसे पति पे शक किया, हम में दूरियां पैदा कर दी आप लोगों ने। क्यों, क्यों? अब तुम क्या चाहती हो हमसे, क्या चाहती हो? अब तुम लोग चाहती क्या? हमें, हमें डॉक्टर मेहरा चाहिए। लेकिन मेहरा साहब इतने शरीफ आदमी हैं, वो हमारे साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? शेर अगर बकरे की खाल पहनकर बाहर निकले तो शेर बकरा नहीं हो जाता। उसी तरह कोई इंसान अगर शैतान है और अगर वो शराफत की चादर ओढ़कर बाहर निकले तो शरीफ नहीं हो जाता। ठीक है, अगर मेहरा ने गलती की है तो कानून उसे सजा देगा? नहीं नहीं नहीं, उसे उसे कानून सजा नहीं देगी, उसे हम लोग सजा देंगे। और जब तक हम लोग उसे सजा नहीं देते तब तक हमारी आत्मा भटकती रहेगी और तब तक हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। शिवानी को मगर कुछ नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। और हाँ, जब तक मेहरा को तुम हमारे पास नहीं लाओगे तब तक तुम्हारी बीवी हमारे पास रहेगी। नहीं राजी, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, नहीं जाना। ठीक है, मैं मेहरा साहब के यहाँ जा रहा हूँ। शिवानी को मगर कुछ नहीं होना चाहिए। अरे राजीव यार, कैसा है तू? कैसे हो? हेलो यार, डॉक्टर रवि कपूर, कहाँ हो तुम? ठीक है, जल्दी आ जाओ। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा साहब, बात ऐसी है कि कल रात महेंद्र कपूर मेरे घर, उन्होंने मेरी बीवी से हाथापाई की और उसे घायल कर दिया। उन्होंने बताया आपको एक दिल की जरूरत है। अगर ऐसी बात थी तो मुझे बता दिया होता, मैं अपनी बीवी को घायल करके उसका दिल निकाल लेता। चलिए, जो हुआ वो हुआ। आप मुझे 20 लाख रुपए दे दीजिए और चलिए मेरे साथ। शिवानी का दिल निकाल कर आपको दे देता हूँ। ठीक है, जस्ट अभी आए, 1 मिनट प्लीज। ओके। आइए। हाँ चलिए। बेवकूफ आत्माओं, तुम्हें ये मालूम नहीं कि मैं काजी मलंग से आशीर्वाद लेकर आया हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं वो बड़ा हूं कि तुम्हें सबको सीसी में भर के तुम लोग को अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्या है ये, ये चुड़ैले लोग कहाँ से आती हैं? देख, तूने ये अच्छा नहीं किया। तेरे पति ने उस तांत्रिक को मेरे पास भेजा। नहीं, मेरा पति ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं उन्हें जानती हूँ।
अरे तांत्रिक, क्यों तू डॉक्टर मेहरा के पाप का भागीदार बनना चाहता है? थप 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 थप। जल फुट, जब तक मलंग का हाथ मेरे ऊपर है और ये माला मेरे साथ में है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। कहाँ बात कर जाओगी, मैं इस बोतल में आना ही है। क्यों, क्या हुआ तांत्रिक बाबा? आपका शक बिल्कुल सही था जनाब, इन तीनों आत्माओं को मैंने बोतल में कैद कर लिया है। मेरा साहब, आपने ही तांत्रिक को बुलाया था? तुमने क्या समझा राजीव, मेरा बेवकूफ है? जिस दिन उस बंगले से डॉक्टर कपूर गायब हुए थे, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था, कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैंने तांत्रिक बाबा को बुलाया। मेरा, मैं तेरी बहुत इज्जत करता था, मगर साले आज तो मेरी नजरों से गिर गया। तू डॉक्टर तो क्या कसाई कहलाने के लायक भी नहीं है। आज तेरी आंखों के सामने ये मेहरा, तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी की इज्जत के साथ खेलेगा। मेहरा, हाँ देख, मैं तेरी बीवी के जिस्म के साथ कैसे खेलता हूँ। मेहरा, मैं कर रहा हूँ, छोड़ दे इसे। तूने भी तो अपनी बीवी के दिल के साथ सौदा किया था ना, तो अब चीख क्यों रहे हो? तुम्हें 20 लाख चाहिए ना, तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे। छोड़ दे शिवानी को मेहरा। अब तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तांत्रिक बाबा मेरे साथ हैं। बहुत इंतजार करवाया तुमने, खैर देर आए दुरुस्त है, आए तो सही। अरे डॉक्टर मेहरा, तेरे तांत्रिक ने हम सबको कैद कर दिया था ना, अब तू ही इंसाफ देख ले, हम फिर आजाद हो गए। बाबा कुछ करिए ना। अब तेरा ये तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर मेहरा, क्योंकि इसकी सारी ताकतें टूट गई हैं। अब हम उसे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां हमने सबको पहुंचाया है। मुझे माफ कर दो। अरे तुझे माफ कर दे? अरे दिल के सौदागर, तुझे तो हम ऐसे सजा देंगे कि फिर कोई डॉक्टर या गुनाह करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो। आज हम तुझे ऐसे मौत देंगे। मुझे माफ कर दो, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। घबराता क्यों है? तू भी उसी के पास जाने वाला है। मैडम, मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ। क्यों मेहरा, आज दर्द का एहसास हो रहा है? इसी तरह तुमने भी हम लोगों को तड़पाया है। मैडम, मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ। आज तुझे पता चलेगा कि दर्द का एहसास क्या होता है। मैडम, मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ। अरे तुझे माफ कर दे? अरे दिल के सौदागर, तुझे तो हम ऐसे सजा देंगे कि फिर कोई डॉक्टर ऐसे गुनाह करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे क्यों राजीव?
यार सुहाग रात मनाते हैं ऐसा तो हमने पहले बहुत बार सुना था, पर सुहाग दिन आज पहली बार सुना है। अरे सुहाग रात तो सभी मनाते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इस परंपरा को ही बदल दूं। हाँ यार ये तूने बिल्कुल सही कहा। लेकिन यार जरा संभल के, आज पहला दिन है। अबे साले सवारी करते वक्त ना अपनी लगाम थोड़ी टाइट रखना, कहीं ऐसा ना हो कि पटाक से नीचे गिर जाए और कोई बचाने वाला भी ना हो। हम भी तैयार रहे। जा यार। अच्छा बेटा अंदर जाने की बहुत जल्दी है। राजीव आज भी तुम बिल्कुल वैसी हरकत करते हो जैसे कॉलेज टाइम में करते थे। बदमाश कहीं के। तुम भी वैसे ही हो, अभी भी तुम्हें कोई छू ले तो तुम उसे थप्पड़ मार दे। और आज भी अभी राजू ने तुमसे थप्पड़ खाया है और दिल भी सिर्फ तुम्हें ही दिया है। जाने